काठमांडू के घंटाघर में दरार आई इस 7.3 के। 25 अप्रैल के भूकंप के दिन यहां की घड़ी बंद हुई थी, आज दरार आ गई है। 7.3 तीव्रता का जो ये भूकंप आज आया है, इसमें काठमांडू के घंटाघर में दरार देखी गई है। और 25 अप्रैल को आपको याद होगा इसी घंटाघर की घड़ी भी बंद हो गई थी, आज यहां घंटाघर में दरार देखी गई है। चौतारा से 4 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है और काठमांडू में घंटाघर में दरार देखी गई है आज के जो इस भूकंप में 12:35 पर जो आया है ये 7.3 तीव्रता का। गएको यो दृश्य हामी देखाइरहेका छौँ, व्यवस्थापिका संसद भित्रको यो दृश्य हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नेपाली संसद की, नेपाल के संसद की तस्वीरें। जैसे ही ये झटका आया है कैमरे हिलने लगे तो आप देख पा रहे हैं कैसे वहां पर पोडियम पर जो व्यक्ति बोल रहे थे वो उनकी तस्वीर तक हिलने लगी, फिर अफरा तफरी मच गई। ये नेपाल के काठमांडू का घंटाघर जिसमें दरार देखी गई है, नेपाल के काठमांडू के घंटाघर में दरार देखी गई और नेपाल की संसद में जो उस वक्त जो कार्यक्रम चल रहा था उसकी जो फिल्मिंग हो रही थी तो कैमरा ही हिलने लगा और वो तस्वीरें हमने देखी।